हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सनमाइका हम लोग कैसे लगाते हैं, कि उसमें बबल्स ना आए। जैसे मैंने सामने लगा के आपको दिखा रखा है, एक भी बबल्स नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, ये हम किस तरह से लगाते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बेस है आपका उसको रेकमान ला के हल्का हल्का जो भी उसमें दाने वगैरह हो, कचरा हो, वो निकल जाए, इस तरह से साफ़ कर लेना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। इसके बाद सनमाइका आपको काटने किस तरह से काटते हैं आपको मालूम ही है। आपको सनमाइका की शीट को भी साफ़ कर लेना है अच्छी तरह, क्योंकि कई बार उस पर स्टिकर वगैरह लगे रहते हैं, तो उससे हमारा सनमाइका में बबल्स आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से शीट साफ़ रहेगी तो बबल्स आपका कभी भी नहीं आएगा। हमने ये शीट जो है थोड़ी थोड़ी एक एक फुट बड़ी काट रखी है चारों तरफ से, ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आपकी शीट ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले फेविकॉल सनमाइका की शीट पर लगाएंगे और फिर नीचे पलाई पर लगाएंगे, दोनों पे हम लोग लगाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कंघी से एक ही तरफ लगाते हैं मोटा करके और शीट चिपका देते हैं, उससे सही से जो है फैलता नहीं है। तो मैं इसमें कंघी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ सनमाइका फेविकॉल लगाने की ना, ये सनमाइका का ही टुकड़ा है पीस मेरे हाथ में टूटा हुआ, तो उससे लगा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि फेविकॉल आपका अगर दोनों पीस पर लगा रहे हैं ना, तो आपका थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं चढ़ेगा, आपको पतला पतला चढ़ाना है। और आपके अगर उसमें कोई धूल मिट्टिया कण है या बुरादा है लकड़ी का या कुछ भी ऐसा है जो सनमाइका आपको फुला सकता है, उसे अपने आप ही हटा देता है। तो ये एक इसका फ़ायदा रहता है सनमाइका की पट्टी से ना फेविकॉल लगाने का। तो देखिए, बढ़िया करके फेविकॉल मैंने इस पर लगाया, चारों तरफ आपको दिखाई भी दे रहा है, कोई जगह छूटी नहीं है इसमें ना। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको एक तरफ रख देना है और हम फिर नीचे का जो हमारा पलाई का बेस है उस पर हम फेविकॉल लगाएंगे। उस पर आपको पहले भी ध्यान दे लेना है कि कोई कील वगैरह बाहर ना निकली हो, तो उसे हथौड़ी से अंदर कर दें या फिर ग्राइंडर से घिस के आप बराबर कर सकते हैं प्लेन, वरना वो बाद में आपको दिक्कत करेगी फेविकॉल लगाने के बाद। देख क्या होता था, अभी तक जो हम सनमाइका का लगाते थे ना, उसमें या तो बबल्स आते थे, अगर बबल्स नहीं भी आ रहे हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता था, वो किनारे से उखड़ जाता था टुकड़ा, पैर में फंस के या जूते में फंस के। तो मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे किनारा तो आपका कभी भी उखड़ेगा ही नहीं, इतना मजबूती से चिपक जाएगा। तो उसका तरीका यही है कि आपका फेविकॉल बढ़िया से लगा हुआ होना चाहिए। और फेविकॉल लगाने के बाद मैं एक काम इसमें और करूँगा जो आपको भी करना है फेविकॉल लगाने के बाद। देखिए, फेविकॉल लग गया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ किनारे पर, देखिए ध्यान से देखना आप लोग, किनारे पर मैं चढ़ा रहा हूँ, एक थोड़ा सा गाढ़ा करके फेविकॉल चढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं चारों किनारों पर चढ़ाऊँगा। ये देखिए, बीच में तो सारा मैंने बढ़िया करके लगाया ही है, और साथ ही साथ जो केवल किनारे वाला हिस्सा है, क्योंकि किनारे से ही सनमाइका उखड़ता है। अगर कहीं से फेविकॉल कम रह जाए ना, तो जूते में फंस के या सफाई करते टाइम या पैर वैर लग जाए बैठते समय, कस्टमर के घर पे चला जाता है जब बेड, तो वो उखड़ने लगता है। तो इससे ये रहेगा कि आपका उखड़ेगा नहीं। मैं एक बार आपको ना पास से दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने लगाया है। ये देखिए, थोड़ा सा केवल किनारे किनारे पर ना, चारों किनारे पे मैंने थोड़ा फेविकॉल गाढ़ा चढ़ा दिया। इसे चढ़ाने का मतलब यही है कि ये आपको किनारे में अच्छी तरह से फैल के पकड़ बनाएगा, कहीं से ऐसा नहीं रहेगा कि फेविकॉल ना लगाओ या कम लगाओ, ठीक है। इस तरह से दिक्कत होती है वरना बाद में। इसके बाद वही शीट आपको रख देनी है, ध्यान रहे कोई कचरा उसमें ना हो, साफ़ जगह में ही आपको रखनी है और बराबर कर लेनी है इसको चारों तरफ से, जिस तरह मैंने किया है, ठीक है। तो आपका इस तरह से बबल्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, टेप लगाने से पहले ना हल्का कपड़ा लगा के इसको बैठा लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने बैठा है, इस तरह क्या है, कई बार ना सनमाइका में लपक रहती है, तो इस तरह से वो सीधा बैठ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली टेप लगाना शुरू कर देंगे ना, वो लपक निकलेगी नहीं इसकी, फिर वो एक साइड से उठेगा और आपको दिक्कत करेगा लास्ट में जब आप चिपकाएंगे, तो आपको फिर उसमें वही बबल्स वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो टेप आपको बढ़िया करके लगाना है इसमें, एक एक इंची की दूरी पे, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो टेप आपको पहले क्या करना है, एक ही साइड से लगाना है। ये मैंने आपको बताया था ना, सनमाइका का थोड़ा थोड़ा बड़ा काट रखा है, तो इसमें टेप एक ही साइड से पहले लगाएंगे। ये ऐसा नहीं कि चारों तरफ लगा दी, पहले एक साइड से लगा देंगे और फिर इस पर हल्का हल्का हम लोग कपड़ा रगड़ेंगे। तो हमारा एक साइड देखिए टेप लग चुका है, ये बढ़िया करके लगाना है आपने टेप। और जब टेप लगाएंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा फेविकॉल दब के बाहर निकलेगा, जो एक्स्ट्रा हमने किनारे पे लगाया था, बस उससे यही रहेगा कि हाँ अच्छी तरह चिपक कर लेगा वो आपका। देखिए, एक साइड टेप लगाने के बाद मैं कपड़ा लगा रहा हूँ इस पर, इससे क्या है सनमाइका बैठेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब एक साइड से तो मैंने मिला के लगा दिया,
अब तीन साइड से थोड़ा थोड़ा बड़ा हमने रखा हुआ था, मैंने कहा था ना एक एक सूत बड़ा काटेंगे हम सनमाई का, तो उसको हम ये रेती आती है लोहा घिसने वाली भी आती है, लकड़ी वाली अलग से आती है, तो मैं लकड़ी वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इससे मैंने जो एक्स्ट्रा सनमाई का था वो घिस दिया, और जो मैं घिसाई कर रहा हूँ ना इसकी थोड़ा टेपर में कर रहा हूँ बाहर की तरफ को। इसे टेपर में करने का भी एक फ़ायदा ये है कि जब आप इसको उठाते हैं लोड अनलोड कर रहे हैं या इधर से उधर खिसका रहे हैं तो आपके हाथ में फंस के सनमाइका बाहर से पटक जाता है, निकल जाता है वो, ठीक है। और देखिए इसके बाद मैं रेगमाल ला के इसे स्मूथ कर दूंगा, तो जब आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ में फंसेगा नहीं इससे और निकलेगा नहीं कभी भी। तो ये क्योंकि आपकी जो एज है वो स्मूथ हो जाएगी, तो ये फ़ायदा रहता है। सब देखिए मैं कपड़े से साफ़ कर दिया है, और सनमाइका में जो किनारे किनारे में एक्स्ट्रा फेविकॉल था ना वो बाहर निकलेगा, तो जोड़ा बहुत डस्ट होगा वो फेविकॉल के साथ बाहर आ जाता है। तो सेम वही तरीका है, हम इस पर फेविकॉल जो है लगाते हैं एक्स्ट्रा ना। अब इसके बाद हम टेप लगाएंगे इस पर फिर से, जैसे पहले लगाया था हमने इधर वाली तरफ, तो फिर इसके अपोजिट साइड हम टेप लगाएंगे। तो फटाफट से टेप लगा लेता हूँ मैं इस पर, तो ये दूसरी साइड भी टेप लग के रेडी हो गया हमारा। इसके बाद भी आपको क्या करना है, हल्का हल्का कपड़ा लगा देना, अगर कहीं बबल्स आपको दिख रहा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा दबा के लगा देना, वैसे इस तरह से लगाएंगे तो बबल्स आपका आएगा ही नहीं। देखिए शीट पे भी कपड़ा मैंने लगाया भी नहीं है लेकिन वो प्लेन दिखाई दे रही है बिल्कुल, साइड से देखने पर ना आपको छोटा सा ही बबल्स हो एकदम हाईलाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने कैमरा भी साइड में रखा हुआ है ताकि आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई दे। फिर भी लेकिन हम कपड़ा लगा लेते हैं, अगर कोई बबल्स आ रहा है तो हल्का फुल्का हाथ से पता चल जाता है उसका ना। अब देखो दो साइड बची है हमारी, दो साइड भी हमें इसी तरह से टेप लगा देनी है, लेकिन ये दीवान है मुझे बाद में इधर बिडिंग ठोकनी है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बिडिंग ही ठोक दूंगा। अगर आप अलमारी का पल्ला वगैरह कर रहे हैं तो आपको टेप लगानी है इस तरफ, तो यही तरीका है करने का, और इस तरह से बबल्स नहीं आएंगे आपके। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना आपकी शीट कैसी चिपकी है। तो देखिए ये बिडिंग मैं लगा रहा हूँ इस पर ना, ये आप चाहें तो डायरेक्टली टेप लगा सकते हैं अगर पल्ले पे लगा रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे बाद में भी लगाना ही है, तो मैं डबल डबल काम ना करके डायरेक्टली पहले इस पे बिडिंग लगा दे रहा हूँ, इस पे बाद में पॉलिश हो जाती है। तो मेरा मकसद इस वीडियो में बस आपको यही दिखाना था कि सनमाइका सही तरीके से लगाने का तरीका क्या है, और मुझे लगता है कि आपको मालूम पड़ गया होगा, और ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में बताना दोस्तों कैसा आपको ये आइडिया लगा। देखिए कंप्लीट हो गया हमारा सनमाइका, साइड से आपको दिखाई दे रहा है एक भी बबल्स उसमें नहीं है, और ये इसी तरह सूख जाएगा। और दोस्तों पास से भी एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखिए क्या बढ़िया फिनिशिंग आई है। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार लाइक करना, ये तरीका आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।